हाँ तो भाई लोग कैसे हो सबके सब। तो वायु आप सभी होंगे यार। तो भाई आज मैं फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेके। तो आज हम फिर से बात करेंगे माइनक्राफ्ट के बारे में। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम रेसिंग रफ्तार। हाँ तो भाई आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। तो आज हम बनाएंगे एक चिकन कुकेट फार्म या फिर कुकेट चिकन फार्म, जो भी आप बोलना चाहते हो उसको बोल सकते हो। वह काफ़ी मज़ेदार बनने वाला है ना, और ये बिल्कुल ऑटोमेटिक होने वाला है। मैंने इसमें काफ़ी सारे चेंजेस करूँगा और बिल्कुल इसको ऑटोमेटिक बनाने वाला हूँ ना। तो मैंने इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाया था, पता नहीं किसी ने देखा या नहीं देखा ना। फिर से ये वाला बना रहा हूँ और ये बिल्कुल ऑटोमेटिक होने वाला है ना। तो भाई शुरू करते हैं इसका वीडियो। हाँ तो भाई मैं देखो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ फ्लैट मैप, आप कोई सा मैप यूज़ कर लेना, ये सब में वर्क करेगा ना, तो काफ़ी अच्छा दिखता है, इसलिए मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ फ्लैट मैप को ना। इस सबसे बात पहले बात कर लेते हैं, आपसे कुछ चीज़ें चाहिए ना, तो सारी चीज़ें के बारे में मैं धीरे धीरे बताऊँगा वीडियो में। तो सबसे पहले कोई ब्लॉक लेना आपको जो अच्छा लगे, वो वाला ब्लॉक आप ले सकते हो। इसके अलावा आपको चाहिए एक चेस्ट, भाई नॉर्मल चेस्ट ले लेना। इसके अलावा हॉपर जो सारे फार्म में काम आता है, इसके बिना तो काम ही अधूरा होता है ना। तो शुरू करते हैं, हम शुरुआत करेंगे यहीं से ना, आप कहीं पे बना सकते हो इसको ना। तो सबसे पहले आप सभी को एक चेस्ट रखनी है। क्या पता काफ़ी लोगों को ये वाला फॉर्म बनाना आता भी होगा ना, लेकिन मैं उसमें काफ़ी सारे चेंजेस करूँगा, वो किसी को नहीं आते होंगे। तो कहते हो इसके बाद इस पर पीछे ना ऊपर अटैच कर देना कुछ ऐसे, बिल्कुल आसान है। इसके बाद यहाँ पर ब्लॉक्स रख देना आप ना, और ना इसको पूरा कवर कर देना ब्लॉक्स से। देखो बिल्कुल आसान है यार, इतना मुश्किल नहीं है ना, और ये इतना अच्छा वर्क करता है ना, इसके लिए कुछ कह नहीं सकते ना, काफ़ी अच्छा वर्क करता है ना। देखो बस इसको ना ऐसे बनाना है, और देखो दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके बाद आप सबको फिर से जाना है, और आप सभी को इस बार लेना है डिस्पेंसर। तो कहाँ चला गया, ये रहा डिस्पेंसर। और आप सभी को लेना है एक स्लैब, लेना स्लैब ब्लॉक से ना, ये वाला स्लैब लेना भाई जो अच्छा लगे ना। तो मैं कौन सा लूँगा, हाँ ये वाला ले लेता हूँ मैं ना, मेरे को ये अच्छा लग रहा है। तो इसके अलावा हाँ भाई ग्लास भी ले लेना, क्योंकि ग्लास है ना एक फ़ायदा होता है, ग्लास से अंदर क्या हो रहा है दिखता भी रहता है ना, और ग्लास से ना हमारी चेस्ट है ना ओपन भी हो जाती है। देखो यहाँ पर रखना आपको डिस्पेंसर, यहाँ पे क्राउच होकर रख देनी है, एक क्राउच होकर रखनी है ऐसा नहीं ना, ये स्लैब, और यहाँ पर लगाना है ग्लास। तो बिल्कुल ईजी है ना, देखो ऐसे ग्लास लगा देना तो चेस्ट है ना ओपन हो जाती है, अगर आप ब्लॉक रख दोगे ना फिर वो ओपन नहीं होती। देखो बिल्कुल ईजी है, यहाँ तक आपसे को सामने आ गया होगा। और इसके बाद बिल्कुल ईजी है ना, इसको सर्वाइवल में बनाओगे ना तो सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा भाई। ये इसका असली मज़ा है सर्वाइवल में, ऐसे नहीं है यार है ना। तो यहाँ तक ऐसे ब्लॉक्स लगा देना। अब इसके बाद दो चीज़ें और चाहिए आप सभी को, तो इतनी ख़तरनाक चीज़ें नहीं है, आप आसानी से बना सकते हो इसको सर्वाइवल में भी। तो ये रिपीटर है और ये यहाँ ये कंपटीटर है, तो ये दोनों चाहिए। रिपीटर आप सभी को यहाँ पर रखना है कुछ ऐसे, और फिर ऐसे मूव कर लेना, और फिर एक यहाँ पर रख देना। देखो ना इस पे ध्यान देना भाई अच्छी तरह से ना, एक रखना है यहाँ पे, एक रखना है यहाँ पे, लेकिन ऐसे मुँह करके रखना है इस तरफ, और यहाँ पे कंपटीटर रख देना है इसको उठा के ना यहाँ पे, और ना ये नहीं रखना भाई, इस कंपटीटर रखना है तो ये ना, और इसको ना इसे ओहन कर देना। फिर डस्ट लेनी है जो हर फार्म में काम आता है, रेड स्टोन डस्ट, तो ये लेना, और यहाँ पर ना इसको ऐसे वायर से पूरे को अटैच कर देना। देखो ये आगे काम आएगा, मैं दिखाऊँगा ऐसे क्यों कर रहे हैं ना, तो ये ना ऐसे जोड़ क्यों रहे मैं पूरा बताऊंगा आप सभी को। इसके बाद हमारा काम काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है ना, तो इसको ना एक ब्लॉक आगे तक ऐसे बड़ा कर लेना, ऐसे अभी कर लेना है फिर बाद में कर लेना, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो इसके बाद आप सभी को हॉपर लेना, हॉपर को ना एक यहाँ पर रखना है डिस्पेंसर के ऊपर, तो वैसे तीन रख देना, तीन काफ़ी है ना, चल जाएगा, तीन काफ़ी है। आगे रखना चाहते हो तो रख सकते हो ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो बस है ना इसको ऐसे कवर कर देना, बस काफ़ी हद तक हमारा फार्म बन के तैयार है। यहाँ पे फिर से एक ग्लास रख देना ना, तो क्या है ना अच्छा लगे आगे से, और तो ऐसा कुछ नहीं है ना। और अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप सभी को लावा लेना है, लावा बकेट या फिर जो भी लेना है कहीं से भी लावा लेना, और यहाँ पे डाल देना है इसको। तो आप समझ गए होंगे ये लावा क्या काम आएगा, तो ये कुक करेगा सारे चिकन्स को, आसानी से समझ सकते हो इसको ना, बस बनाना आना चाहिए, और बनाना खाना भी आना चाहिए ना, आप सभी जानते हो यार। और यहाँ पर अरे यार ब्लॉक्स को ही मैंने ख़त्म कर दिया, कोई नहीं हम फिर से ले लेंगे क्रिएटिव में, कुछ भी ले सकते हैं हम यहाँ। तो इसको सर्वाइवल में बनाना भाई सबसे ज़्यादा मज़ा उसमें आएगा आप सभी को, तो ऐसे बस। ओ भाई काफ़ी हद तक हमारा काम पूरा हो चुका है ना, अब थोड़ा बहुत काम और बचता है। देखो यहाँ से इस वाले ब्लॉक को आप हटा देना यहाँ से ना, और यहाँ पर एक रिपीटर लगा देना कुछ ऐसे, ऐसे झाँक के देखो इस साइड में झाँक के ना, तो इसका मुँह ऐसे होना चाहिए। और यहाँ पर इस वाले ब्लॉक को उठा के यहाँ पे हम एक लगाएंगे लीवर। लीवर क्या काम आएगा, लीवर है ना कंट्रोल करेगा हमारे फार्म को,
ताकि हम उसको ऑन ऑफ कर सके। देखो ऐसे ना, ऐसे ऑन ऐसे ऑफ ना, तो ये बस बनके तैयार है काफ़ी हद तक। अब देखो ना ये फार्म यही तक होता है। अब देखो इसमें क्या करना होता है ना, ये देखो ये होपर्स है ना, इसमें हमें एग्स डालने होते हैं, चिकन के एग है ना। देखो ये मैं डाल देता हूँ आपके लिए अभी, देखो ये डाल दी मैंने। तो भाई देखो बस ये ऐसे वर्क करता है ना, देखो बस इसको यहाँ से ना आप ऑफ भी कर सकते हो, ऑफ हो गया है ना। तो आप ना जैसे इसको ओपन मतलब ऑन करते हो ना, तो ये ऊपर करते हो तो ऑन हो जाता है। देखो जैसे यहाँ पे ना ये चिकन सान लग जाती है। अब देखो जैसे चिकन का चिकन बच्चा है ना, तो जैसे बड़ा होगा ना, तो आप सभी को पता है जैसे बड़ा होगा तो ये लावा में जाएगा, लावा में जाएगा तो ये मर जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। तो ये ऐसे वर्क करता है पूरा फार्म, तो है ना। हम इसको थोड़ा अलग करने वाले हैं ना, तो बस यहाँ तक तो ये होता ही है, लेकिन भाई हम ठहरे कुछ अलग करने वाले हैं, तो हम इसको यहीं तक नहीं छोड़ सकते, इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड करेंगे ना। तो मैं एक्स्ट्रा ऐड करूँगा फार्म टाइप का थोड़ा ना, तो यहाँ से है ना मैं इसको ऐसे बनाऊँगा, ऐसे है ना, समझ गए आप क्या कर रहा हूँ मैं। हाँ सही है भाई ना। तो अब मेरे को लेना ना ये, आप कोई से भी, या फिर ये लेना है अपना डायरेक्ट लेना, या फिर मैं अभी ग्रास ब्लॉक ले लेता हूँ, आप डायरेक्ट ले लेना, कोई बड़ी बात नहीं इसमें ना। तो ऐसे थोड़ा बड़ा कर लेना अपने फार्म को, या फिर अभी इसको हटाते हैं ना, बाद में लगा दूंगा मैं। तो थोड़ा आगे जाता हूँ यहाँ से ना, ऐसे एक ब्लॉक हटा देना आपसी को ऐसे। देखो ना जितना चाहो जितना बड़ा बनाना चाहो बना सकते हो, आपके ऊपर यार। तो ये क्या है ना, ये चिकन का थोड़ा हम बाड़ा बना रहे हैं चिकन का ना, यहाँ पे चिकन रहेगी तो वो ऐसे अंडे देगी ना। आप सोच सकते हो ना, मैं ऊपर भी चिकन लगा सकता हूँ, लेकिन वो मर जाती है ना, मतलब डिस्पोन हो जाती है ना। अगर आपका लैग करता है ना, तो फिर तो भाई खतरनाक तरीके से ना डिस्पोन वो रुक जाता है उनका स्पोन ना। तो कुछ ऐसे बनाना है। अब देखो ना हमें तो थोड़ा रिसोर्सेज ज़्यादा लगता है ना, लेकिन भाई फार्म काफ़ी अच्छा बनता है उसके बाद। देखो ये रेल से ले लेनी है आप सभी को, जैसे ये वन यू आर रेल और ये पावर रेल, दो तरीके ले लेनी है। तो पावर रेल्स को कैसे यूज़ करना ये बताऊँगा मैं आप सभी को ना। तो ये इसको तो पूरा भर देते हैं यहाँ से ना, क्योंकि वो उसके आगे निकल गया ना, तो यहाँ हम लगा नहीं पाऊँगा मैं इसको। तो यहाँ से ना, यहाँ से हाँ भाई देखो ना, ऐसे यहाँ से पावर लगा देना यहाँ तक। तो आपके पास पावर हो तो आप पावर लगा देना, मेरे पास अभी देखो ये लगा देता हूँ ना, यहाँ पावर नहीं लगती क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा ये कर्व होता है ना, तो ये लगाना होता है यहाँ पे हमें ना, थोड़ा घूम जाता है ना, तो ये लगाना होता है। तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट ना, यहाँ से इसको पावर कैसे देनी है, जैसे दो ब्लॉक हटा देना आप है ना, दो ब्लॉक हटाने के बाद आप रेडस्टोन टॉर्च लगा सकते हो नीचे की तरफ। तो देखो ऐसे यहाँ पे टॉर्च लगा देना, और फिर से मैं ये ले लेता हूँ, और यहाँ पे ना ये लगा देना, देखो ऐसे ब्लॉक्स के ऊपर लग जा क्या कर रहा है। हाँ देखो, और फिर देखो ऐसे इसको पावर मिल जाती है, तो ये काफ़ी अच्छा है ना। हाँ मैंने भी पहले सीखा था, बहुत पहले सीखा था ये ना। तो यहाँ से हाँ ये वाला लगेगा यहाँ पे, क्योंकि है ना घूम नहीं सकता यहाँ पे ऐसे ना। तो भाई बिल्कुल ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है ना, इसमें बिल्कुल बड़ी बात नहीं है कोई। लेकिन देखो ना, आप देखना आपसे मैं क्या करने वाला हूँ। तो बस यहाँ तक इसको बड़ा करते हैं, और फिर यहाँ से इसको घुमा देते हैं। ओ बस हो गया हमारा काम, देखो ऐसे बनाना है आपसे को। तो एक तरफ इसको पावर मिल चुकी है, यहाँ पे हम इसको पावर देंगे। तो दो ब्लॉक निकाल देते, एक ब्लॉक लगा देते इसके ऊपर, फिर से एक ब्लॉक, फिर से पावर दे देते हैं। भाई ईजी है बिल्कुल, क्या क्या इसमें क्या है, कुछ भी नहीं इसमें ना। तो मैं ना इसके एक मतलब है ना ऐसे दो ब्लॉक नीचे भी छोड़ सकता था, वो क्यों नहीं छोड़ रहा, क्योंकि भाई इसमें डायरेक्ट बेडरॉक आ जाता है आप जानते हो। अगर आप नॉर्मल मैप पे बनाओगे ना तो कुछ नहीं होगा उसमें, तो मज़ा आएगा आप सभी को बनाने में काफ़ी ज़्यादा, ये भी बात सही है। तो यहाँ पे भी लगा देते यार, अब ये छूट जा रहा है तो छूट रहा है, तो इसमें लगा देते हैं यहाँ पे। लग जा भाई, हो चुका है हमारा काम। अब देखो इसमें कैसे वर्क करता है ना, यहाँ पे आप सभी को ऐसे ब्लॉक रख देना है। आप सोचेंगे भाई ये क्या कर रहा है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, इसको ध्यान से समझ लेना ना क्या कर रहा हूँ मैं ना ऐसे। अब इसके ऊपर है ना हमारे चिकन्स आएंगे ना, आप में से काफ़ी लोग समझ गए होंगे मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लगा नहीं सकता, शायद ये वाला ब्लॉक भी हटेगा ना, क्योंकि ये जाएगा नहीं अंदर है ना। तो इसके बाद आपसे बाहर ले लेनी है ये फैंस, मतलब बाहर समझ गए ना, फैंस बोल रहा हूँ मैं, फैंस ऐसे लगा देना है उसी को। अब जितना बड़ा बनाओगे ना उतना काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन रिसोर्सेज काफ़ी लगेंगे आप सभी का ज़्यादा। या फिर है ना एक काम करना यार, मैंने ना इस बार को यहाँ पे गलत लगा दिया यार, अब ना एक ब्लॉक और निकाल लेना फिर बार लगाना, क्या है ना फिर यहाँ पे हमारे चिकन से ना घूम सकती है, और घूम सकती है ना, और
मतलब है ना ये जो रेल्स वाला एरिया है ना वो सही रहेगा आपसे का, है ना। देखो ना ऐसे थोड़ा आगे की तरफ लगाना आप, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, इसके आगे वो लग जा, सही है भाई, है ना। तो इसको भी आप कवर में ले सकते हो ऐसे, है ना, ना इस यहाँ पे नहीं लगेगा। अब लगा सकते हो आप, है ना, बिल्कुल इजी क्या है ना, ये तो चिकन है ना, उसको जाने देगा, आप भी जानते हो। बस हमारा काम बस होने वाला है ना। तो ये क्या कर रहा हूँ मैं, इसको ऑटोमेटिक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, क्या आपको एक्स डालना ना पड़े ना, बस मैं ये कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब आप चीज़ को एक्स ना डालना पड़े, और तो कुछ नहीं ऐसा ना। तो यहाँ तो इसको ना यहाँ तक हमें लेना ही पड़ेगा ऐसे यार, तो कुछ और तरीका ढूंढ लेना अपना, अपने हिसाब से देख लेना, एक ब्लॉक ऊपर ही बना देना ना, फिर कुछ नहीं होगा आप सभी को। यहाँ तक हमारा काम हो चुका है, अब फिर से मैं पावर रेल लूँगा और इसको ना बड़ा कर देंगे हम। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, लोग गलती कहाँ करते हैं ना, आप देखना यहाँ से ना, यहाँ से देखना ध्यान से। अब देखो आप गलती यहाँ पे करते हो ना, अब यहाँ पे ना आप सबको नॉर्मल पटरी लगानी है, मतलब नॉर्मल रेल लगानी है ना, दो ब्लॉक तक नॉर्मल लगा देना आप सभी ना, क्या है ना नॉर्मल से ही है ना वो कवर होता है, मतलब है ना नॉर्मल से ही जो ना होपर के अंदर जाता है ना, ये बात बोलना चाह रहा हूँ मैं आपसे को यार। अगर आप यहाँ पे पावर रेल लगा दोगे ना, फिर वो हमारे एक्स है ना अंदर नहीं जाएंगे होपर के यार, ये सबसे बड़ी बात है। और काफ़ी लोग गड़बड़ करते हैं इसमें यार, तो गड़बड़ नहीं करनी है, और इसमें ना मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही लगाना है। तो यहाँ पर मैं ये लीवर लगा देता हूँ, क्या लीवर से ना लगता अच्छा है, मतलब ऐसे कोई मशीन होना ऐसे लगता है लीवर से, और तो ऐसा कुछ नहीं है। तो बस हमारा काम हो चुका है, यहाँ पे ना फिर से ब्लॉक्स लगा देते हैं बस भाई ना, तो इसको पूरे को कवर कर देता हूँ मैं। हाँ भाई अब देखो ना इसको भी कवर कर देते हैं यहाँ से ना, ताकि अच्छा लगे यार। ये भाई देखो भाई कैसा मज़ेदार लग रहा है ना, यहाँ से फिर से मैं ये लगा देता हूँ, बस हमारा काम हो चुका। अब देखो ना आपको यहाँ पे क्या डालना है, आप सबको नॉर्मल माइनकार्ट नहीं डाली, माइनकार्ट विथ होपर डाल, होपर लगाना है, माइनकार्ट विथ होपर है ना ये वाला, ये लगाना है यहाँ पे, ये छोड़ देता है बस इसको यहाँ से ऐसे, ये घूम फिर के वापस फिर से आएगा, ये आ गया देखो फिर से है ना। अब यहाँ पर हमें चिकन छोड़नी है, तो चिकन छोड़ देंगे यहाँ पर, ये रही चिकन पॉन चिकन, तो यहाँ पर चिकन छोड़नी है, आप जितने चिकन लेके आओगे आपका फार्म उतना अच्छा वर्क करेगा। तो ये क्या करेंगे यहाँ पे, ये एक्स देंगे और क्या करेंगे भाई, वो भाई मैंने कुछ ज़्यादा ही छोड़ दिया ना, डिस्पोन हो जाएंगे यार। तो ऐसे है ना, आप देखो यहाँ से ना मैंने थोड़ा एक्स डाल के भी देखते हैं ताकि अंदर जाते हैं क्या, यहाँ पे हम एक्स डाल देते ऐसे, ये डाल दिए मैंने एक्स, देखो ना ये इसको देखो भाई ले गया ना, ले गया भाई ले गया, एक्स को लेके चला गया वो, देखो एक्स को लेके आएगा वो, ये चला गया एक्स को लेके, अब यहाँ पे लेके आया और यहाँ पे इसको छोड़ दिया। अब देखो ये ऊपर ऑन था या बाहर था, पता नहीं कहाँ पे था, ऊपर था शायद ना, तो ये अभी तक बड़ा नहीं हुआ, ओ काफ़ी टाइम ले रहा है बड़ा होने में, दो बच्चे आ गए यहाँ पे, इसको आप ऑन ही छोड़ देना ना, ऑटोमेटिक काम होता रहेगा आपसे, ऑटोमेटिक काम होता रहेगा। तो ये देखो मैंने फार्म पूरा बना के रेडी छोड़ दिया है, ओह काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे लीवर को आप कवर भी कर सकते हो ऐसे, अगर आपको अच्छा लगे ना तो लीवर को कवर कर सकते हो आप ऐसे, तो और ऐसे भी आप इनको भी कवर कर सकते हो अगर आपको अच्छा नहीं लगे ऐसे, लेकिन ये दिखते हैं ना तो अच्छे लगते हैं, ऐसे लगता है कोई मशीन हो ना दिखते रहते, तो अगर नहीं दिखने मतलब आप इसको कवर भी कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि दिखे ना, तो इनका कोई रोल्स नहीं है इतना ना, तो बस कवर कर दिया। देखो अब शायद मर गया ना, तो ये मरा नहीं, कहाँ चला गया, अभी तक ये बड़ा ही नहीं हुआ, काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है बड़ा होने में, फूट रहे अंडे, फूट रहे ना ये अंडे, फूट रहे इनकी आवाज़ आ रही है ना तब अंडे फूटती यार। तो मैंने फार्म बना के रेडी छोड़ दिया, आप सोच रहे हो भाई ये वर्क करता है, भाई ये वर्क करता है, अभी ये बड़ा नहीं हो रहा, मैं इसका बड़ा होने में मैं क्या कर सकता हूँ यार, है ना ये अपने टाइप से बड़ा होगा, देखो बच्चा है बड़ा, लेकिन एक साथ काफ़ी सारे आ जाते हैं ना, फिर ज़्यादा वो नहीं होता, जल्दी जल्दी वर्क करना जाता है फिर, तो भाई देखो आप सभी देख सकते हो, जैसे ये बड़ा होगा तो
आप भी देख सकते हो क्या होगा उसके साथ, मर जाएगा और क्या होगा, और कुछ नहीं होगा। तो भाई आज का वीडियो यही है, आज मैंने देखो चिकन फार्म बना दिया, कुकेड चिकन फार्म में कितना अच्छा शानदार फार्म बना दिया। तो एक लाइक ज़रूर कर देना, अगर आप नए आए तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ये एरिया रह गया क्या, इसको भी चलो कवर कर देते हैं। तो यार मैं बनूँगा आपको इसी मज़ेदार नेक्स्ट वीडियो में, फ्रेंड के साथ भी इस वाले वीडियो को शेयर जरूर कर देना ना, ताकि उनको भी पता चल सके। तो यही आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, फिर से वही बात बोल रहा हूँ, चल मैं बनूँगा आपको इसी मज़ेदार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।